पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव के आयोजन पर रुक्मणी जी के विवाह समारोह में श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन के महत्व को समझते हुए कन्या दान किया और उसके बाद उत्साह से भरी सभी महिलाओं ने नृत्य और गरबे जैसे गीतों पर गरबे भी किए। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा रे जैसे गीतों से भरे माहौल में अपने आप को रोक नहीं पाई और गरबे भरे गीतों पर गरबे में भाव विभोर हो गई। सभी राधा कृष्ण की ड्रेस में बनकर आई हुई थी और कथा के संस्थापक ओपी यादव ने नंबर देकर प्रोत्साहित भी किया और सभी के लिए प्रसादी वितरण भी किया गया, जिसे पाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। शनिवार को यहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। यहां पर जो भागवत कथा हो रही है 25वें विजय दिवस के उपलक्ष्य में हो रही है, और आज भागवत कथा में बहुत ही जोरदार प्रचलन रहा है कि हमारा राधा कृष्ण का विवाह बड़े धूमधाम से मना, और उसमें सब बहुत सारे हमारे बच्चे उन्होंने फंसीडत प्रतियोगिता रखी थी, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे राधा कृष्ण बनकर आए, राधा कृष्ण रुक्मणी तीनों के साथ में आए और उसमें से भी हमने सिलेक्शन किया, और बाद में उन बच्चों के द्वारा बहुत आकर्षक नृत्यों की गरबा की प्रस्तुति दी गई। आज के आयोजन में सिर्फ वेंकटेश विहार ही नहीं बल्कि आसपास की सभी कॉलोनी अशोक नगर स्मृति नगर कई सभी कॉलोनी झूम उठी, और ऐसा भव्य आयोजन इंदौर शहर में भागवत कथा में आज तक नहीं रहा। इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे हमारे गुरुवर रघुनाथ दास जी की द्वारा दी गई की जा रही कथा बहुत ही आकर्षक है, और शाम को 7 बजे से रात को 11 बजे तक जो प्रोग्राम हो रहे हैं प्रतिदिन वो भी काफ़ी देखने योग्य है।